भाइयों और बहनों, आज मैं हरियाणा में आया हूं। हरियाणा की भूमि तीन चीजों के लिए, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारिका तक का पूरा देश याद करता है। सबसे पहला, यहां की माताओं ने अपने इतने लाल सेना में भेजे हैं। मैं आज जिस भूमि पर हूं, इस भूमि की माताओं ने सबसे ज्यादा अनुपात में अगर सेना में जवान भेजने का काम किया है तो मेरे हरियाणा की माताओं ने किया है। खेल के मैदानों में देश जब ताली का देखता है तो मेडल तो हरियाणा भारत के नाम पे आते हैं, मगर इसके नीचे जाते हैं तो भारत को जो 10 मेडल मिलते हैं उसमें से 7 मेडल मेरा हरियाणा का धाकड़ लेकर आता है। और तीसरा, देश अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं था। जब देश ने ललकार लगाई कि हमारा अन्न हम खुद पैदा करेंगे तो देश के अन्न के भंडार भरने वाला मेरा हरियाणा का ही किसान था। ये तीनों चीजों के लिए पूरा देश हरियाणा को याद भी करता है, प्रणाम भी करता है। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। और मैं पूरे हरियाणा की जनता को भी प्रणाम करता हूं। 2014, 2019 और दोनों विधानसभाओं ने आपने कमल पर आपका आशीर्वाद दिया, 24 में भी कमल पर आशीर्वाद दिया, अब विधानसभा चुनाव में भी आप आशीर्वाद दोगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, आज नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में, हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा करकर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने तीन निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का रिजर्वेशन 5% ज्यादा मिलेगा। भाइयों बहनों, ये तीनों जो निर्णय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति को लागू करने वाले हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर पहली बार सांसद के नाते पग पैर रखा और देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के सामने भाषण किया था। मेरी ये सरकार दलितों की सरकार है, गरीबों की सरकार है और मेरी ये सरकार पिछड़ों की सरकार है। और देश को पहला सशक्त बीसी प्रधानमंत्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज 71 में से 27 मंत्री पिछड़ा वर्ग के देकर नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के
और हरियाणा से भी दो पिछड़े देकर हरियाणा के ओबीसी का सम्मान करने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं तब हुड़ा साहब को जरूर कहना चाहता हूं, हुड़ा साहब चुनाव आता है तब बीसी 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 की माला जपते हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा से पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही, ओबीसी की विरोधी रही। सन 57 में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए काका साहेब कालेलकर कमीशन बना, कांग्रेस ने सालों तक इसको लागू नहीं किया। 1980 में इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डाला, 90 में जब लाया गया राजीव गांधी ने 2 घंटा 43 मिनट भाषण कर ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? वो रिजर्वेशन तो मिला ही था, इसके साथ ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर आपको संवैधानिक अधिकार देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। 16 और जातियों को ओबीसी में आरक्षित करने का काम किया और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नीट की परीक्षाओं में 27% आरक्षण पहली बार हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। और क्रिमिलियर की लिमिट को न सिर्फ बढ़ाया, इसमें से कृषि और तनख्वाह की आय को बाहर रखने का काम ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया और आज से वो हरियाणा के बीसी को भी इसका फायदा मिलने वाला है। भाई और बहनों, हरियाणा में भी पिछड़े वर्ग के कल्याण की कई योजनाएं हुई हैं। सैनी जी ने वो बताया है, मैं डिटेल जाना नहीं चाहता हूं, परंतु मित्रों मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने हरियाणा में एक बीसी के बेटे को गरीब घर से, नायब सिंह जी खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाइए नायब सिंह जी के लिए, एक बीसी के बेटे को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया है। अब इनके नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ेगा। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार के सिवाय हरियाणा को कुछ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ईज ऑफ डूइंग करप्शन से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक का फासला भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस की सरकारें जब बनती थी, एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी चरम सीमा तक पहुंचती थी, एक सरकार आती थी तो एक जिले का विकास करती थी, दूसरी सरकार आती थी तो दूसरे क्षेत्र का विकास करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण हरियाणा का विकास करने वाली सरकार देने का काम किया। भाइयों और बहनों, आज हरियाणा देश में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना, हर 10वां जवान हरियाणा से आता है, एमएसपी पर सबसे ज्यादा फसलें कोई अगर खरीदता है तो हमारी नायब सिंह सैनी की सरकार खरीदती है। गांव में लाल डोरे के भीतर मालिकाना हक देने का वाला पहला राज्य हरियाणा बना, पढ़ी लिखी पंचायतों वाला पहला राज्य हरियाणा बना, महिलाओं की 50% भागीदारी वाला पहला राज्य हरियाणा बना, हर घर में नल से जल पहुंचाने वाला पहला राज्य हरियाणा बना, पहला आयुष विद्यालय विश्वविद्यालय बनाने वाला राज्य हरियाणा बना, जीएसटी कलेक्शन में पर हेड सबसे ज्यादा करेक्शन मेरे हरियाणा का होता है, देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान पर कैपिटा अगर कोई करता है तो हरियाणा करता है, खाद्यदान में दूसरा नंबर,
दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर, सर्वाधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रथम स्थान, मानांकों को सुधारने में हरियाणा को 3 अवार्ड मिले और विश्व की 400 फॉर्च्यून कंपनियां आज कहीं पर है तो हरियाणा में है। कांग्रेस ने विकास के नाम पर कुछ नहीं दिया। भाइयों और बहनों, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार और हरियाणा की सरकार ने गरीब को घर, गैस, बिजली, शौचालय, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और हर गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और आज अभी अभी मैं आया, रास्ते में अखबार देखता था, कल हुड्डा साहब ने घोषणा की है हरियाणा के गांव गांव जाकर कांग्रेसी हिसाब मांगेगा, हिसाब मांगे हरियाणा। हुड्डा साहब, हम क्यों डेबिट रखें? मैं तो हिसाब लेकर आया हूं और यहां से चुनौती देता हूं हुड्डा साहब, हमारे 10 साल और आपके 10 साल का हिसाब लेकर हरियाणा की जनता के पास जाइए। और आज मैं हरियाणा के भाजपा के एक एक कार्यकर्ता का आह्वान करना चाहता हूं, हिसाब वो क्या मांगेंगे, हम लेकर जाएंगे। हुड्डा साहब सुन लीजिए, मैं बनिया का बेटा हूं, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं, पाई पाई का हिसाब। आपने 10 साल तक ऊपर और नीचे कांग्रेस की सरकार बनी, हरियाणा को क्या दिया? सिर्फ 41,000 करोड़ रुपया दिया। भाइयों और बहनों, कितना दिया? 41,000 करोड़, जोर से बोलो, रटना चाहिए, कितना दिया? और नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल की सरकार 10 साल चली, इन्होंने 259 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, आपसे 6 गुना पैसा हरियाणा को देने का नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। आप हिसाब लेकर आइए, एक चौराहा तय करिए। हमारे मुख्यमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष आकर आपसे 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। आप क्या हिसाब मांगते? आप हिसाब दे सकते हो नौकरियों में करप्शन का? आप हिसाब दे सकते हो जातिवाद फैलाने का? आप हिसाब दे सकते हो पिछड़ा वर्ग को न्याय करने का? आप हिसाब दे सकते हो परिवारवाद का? विकास का हिसाब नहीं दे सकते। ये 10 साल में हरियाणा में 12 एक्सप्रेसवे बनाए, हर राज्य में हर जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा, गुरुग्राम सिकंदरपुर बदरपुर से मेट्रो रेल शुरू हुई, हिसार में पहला एयरपोर्ट बना 750 बेड का, रेवाड़ी में एम्स बना, आईआईटी दिल्ली का जज्जर में कैंपस स्थापित किया और 2000 करोड़ से बाड़सा गांव में सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां से मंच पर से भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को और मेरे बीसी समाज के एक एक नागरिक का आह्वान करना चाहता हूं, भाजपा के पास हर गांव में कितना हिसाब है हमारे पास कि हर गांव में कितने खर्च किए ये 10 साल में। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए 5 गांव का नाम पढ़ता हूं और अमाउंट बोलता हूं। मेरे पास 6225 पंचायतों का हिसाब है। पहले ब्राह्मण माजरा 20 करोड़, जोर से ताली बजाना भाई, ब्राह्मण माजरा पंचायत में 20 करोड़ रुपया भाजपा ने खर्च किया, कलिंगा गांव में 18 करोड़ रुपया खर्च किया, ती गांव में 85 करोड़ रुपया खर्च किया, कोरियावास में 517 करोड़ रुपया खर्च किया, आसन कला में 24 करोड़ और खारिया में
22 करोड़ खर्च किया है। मेरे पास उड़ा साहब आने आने का हिसाब है। हमारे कार्यकर्ता 6225 की 25 पंचायतों में जाएंगे और हरियाणा की जनता को हिसाब देंगे। मैं साहब नायब सिंह सैनी को कहना चाहता हूं, वो और प्रदेश अध्यक्ष जी, ये पांचों 6 की 6 पंचायतों के प्रमुखों को मिलकर उनका सम्मान भी करे और हिसाब दी दे। हुडा साहब, हिसाब आपको देना है 10 साल के कुशासन का, 10 साल के डीसी के अन्याय का, 10 साल हरियाणा को विकास से महरूम रखने का। आपने हर घर में गैस नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में टॉयलेट नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। आपने हर गांव में पीने का पानी नहीं पहुंचाया, हमने पहुंचाया। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता और हरियाणा की जनता को देख कहकर जाता हूं, इस सामने जो दीवार है उस पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूं, हरियाणा के चुनाव में 3री बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हुडा साहब, मैदान में आइए, आंकड़ों के साथ आइए। आप क्या हिसाब मांगोगे? हिसाब तो हम देंगे आपको, और आपसे हिसाब, कांग्रेस से हिसाब हरियाणा की जनता मांगेगी, मेरे बीसी समाज के भाई मांगे। भाइयों बहनों, कर्नाटक में बीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का काम, यहां पर भी आएंगे तो यही होगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम मुस्लिम रिजर्वेशन हरियाणा में हमारे प्राणांत से भी नहीं होने देंगे। बीसी के हक की हम संरक्षण करें। भाइयों बहनों, आज मुख्यमंत्री जी यहां बैठे, मैं सैनी जी को ढंग से जानता हूं। एक ऐसा आदमी है कि जो मुख्यमंत्री बनकर भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। ये सीएम तो बना है मगर चीफ मिनिस्टर नहीं बना है। ये सीएम बनने के बाद भी कॉमन मैन है, सामान्य लोगों का प्रतिनिधि है, मेरे पिछड़ों आपका प्रतिनिधि है। इसका दरवाजा 24 घंटा 365 दिन आपके लिए खुला रहेगा, मैं आपको गारंटी देकर जाता हूं। और अंत में एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 3री बार बने हैं। आज एक रहस्य की बात बताता हूं, मोदी जी के दिल में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है। ऊपर है मेरी बात यहां पर मोदी जी ने संगठन का काम किया है, हर तहसील, हर पंचायत को और हर कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। मोदी जी का अग्रक्रम में सबसे पहला नाम हरियाणा का है। आज मैं बीसी समाज को 3 बड़ी रियायतें हमारे नेता नायब सिंह जी ने दी है और मुझे कहा गया है कि 1 ही घंटे में इसका नोटिफिकेशन बाहर हो जाएगा। ये तो नायब सिंह साहब नोटिफिकेशन भी लेकर आ गए भाई। अभी से ये 3ों रियायतें हमारे ओबीसी समाज को मिलेगी। सीलिंग भी बड़ी है पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, और म्यूनिसिपैलिटी में रिजर्वेशन भी बड़ा है। मैं आप सबको अपील करना चाहता हूं, एक बार खड़े होकर ताली बजाकर हरियाणा सरकार का धन्यवाद करिए। ये बहुत बड़ा काम आज हमारे नायब सिंह जी ने किया है। और भाइयों और बहनों, एक वादा लेना है आपसे, दोगे क्या? अरे जोर से बोलो, दोगे क्या? मैं बैसाखियों वाली सरकार के लिए नहीं आया हूं। पूरा बीसी समाज एकत्रित हो और अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं।